इंडियन मार्केट के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनकी जो डिमांड है वो भी तेजी से बढ़ रही है, और इनके बढ़ते हुए सेगमेंट को ग्रैब करने के लिए कई कार मैन्युफैक्चरर अपनी नई इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि आप लोग अगले 2-3 सालों के अंदर देख लोगे इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए। इस वीडियो के जरिए मैं आपको इंडिया में मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा जैसे काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कार कंपनी है उनकी आने वाली इलेक्ट्रिक कार के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना अगर आप लोग भी सोच रहे थे कि हाँ कौन कौन सी नई इलेक्ट्रिक गाड़ी आने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं मैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो मेरी लिस्ट पहले नंबर पे है टाटा की ऑल्ट्रोस इलेक्ट्रिक व्हीकल। टाटा ऑल्ट्रोस ईवी जिसे 2020 के ऑल्ट्रो एक्सपो के अंदर अनवील किया था, उसको 2022 में उसको अगले साल लॉन्च करने की प्लानिंग है टाटा मोटर्स की। टाटा ऑल्ट्रोस इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर पावर के लिए ज़िप्रोन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का यूज किया गया है, जो कि आप लोग नेक्सॉन इलेक्ट्रिक और टिगो इलेक्ट्रिक में देख सकते हो, जो कि सेम इसमें भी लगाएगी टाटा मोटर्स। हालांकि बैटरी का जो साइज है और पावर का जो प्रोडक्शन है वो अलग हो सकता है। ऑल्ट्रोस ईवी को एक बार चार्ज करने पे 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की जो ड्राइविंग रेंज है वो मिलेगी आपको। इसके बैटरी पैक को डीसी फास्ट चार्जिंग के साथ 80% तक और स्टैंडर्ड पावर सॉकेट के थ्रू पूरी तरह से चार्ज होने में 8 घंटे तक का समय लग सकता है। नेक्सॉन ईवी की तरह यह एक्सटीरियर पे ब्लू हाईलाइट करेगा और इसमें जेड कनेक्ट ऐप होगी। टाटा ऑल्ट्रोस इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो प्राइस होगी वो 1,000,000 से स्टार्ट होने की उम्मीद लग रही है और कंपनी ने ऐसा ऐसे अंदेशा दिया है, बाकी जब ये लॉन्च करी तब तो ज़्यादा डिटेल पता चली जाएगी। तो मेरी इस पर अगली गाड़ी है महिंद्रा की EXUV 300। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2023 में टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपटीशन है उसको पेश करने की प्लानिंग कर रही है, जिसे महिंद्रा EXUV 300 कहा जाएगा। महिंद्रा EXUV 300 के अंदर आपको 200 से 375 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज मिलेगी और इसके अंदर आपको दो वेरियंट मिलेंगे महिंद्रा EXUV 300 के अंदर। एक तो स्टैंडर्ड होगा और दूसरा होगा लंबी दूरी वाला वेरियंट, मतलब दोनों अलग अलग वेरियंट होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो महिंद्रा EXUV 300 इलेक्ट्रिक को और लंबी ड्राइविंग देने के लिए तीसरी बैटरी पैक देने का भी एक ऑप्शन मिल सकता है। इसका जो मैक्सिमम डिजाइन एलिमेंट है उसको कॉन्सेप्ट पे बनाए रखने की जो उम्मीद है वो हो सकती है। इसे 2020 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। हालांकि कुछ कॉस्मेटिक अपडेट और ब्लू हाईलाइट इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग रखेंगे, मतलब सेम नहीं हो, थोड़ा सा अलग होगा। जो इसका पहले महिंद्रा EXUV 300 आती थी ना उससे थोड़ा सा अलग होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा, देखने में अलग होगा। तो मैं इस पर अगली गाड़ी है जिसका इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है वो है मारुति की वैगनर। अभी तक मारुति सुजुकी का जो एम था वो फ्यूल की कंजम्पशन को कम और कार्बन मोनोऑक्साइड को कम निकालने के ऊपर था। मेन एम ये था कि कम फ्यूल कंज्यूम करें और कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकालें। इसके लिए उन्होंने अपने सीएनजी कारों और हाइब्रिड कारों के अंदर काफ़ी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सुधार किए थे। इंडो जापानी कार निर्माता ने पुष्टि की है कि वो उचित समय पर इलेक्ट्रिक वाहन की इस कैटेगरी के अंदर एंट्री करेगी। मारुति वैगनर इलेक्ट्रिक व्हीकलों कई बार टेस्टिंग देखा भी गया है, इसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग वो जाके देख सकते हो, मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हालांकि जो मारुति सुजुकी वैगनर के इलेक्ट्रिक वर्जन है उसको बाजार में लॉन्च करने के बारे में कोई ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। मारुति सुजुकी वैगनर का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है उसको कंपनी ये कह रही है अगले 2-3 साल के अंदर लॉन्च करेगी और आप लोग उसे इंडियन रोड पे देखोगे भी। मारुति वैगनर का जो इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा इसके अंदर आपको डीसी चार्जिंग और एसी चार्जिंग दोनों सिस्टम मिलेगा, मतलब फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग दोनों मिलेगा। बाकी जब ये गाड़ी आएंगी तो इनके बारे में डिटेल में वो पता चलेगा, और अगर आप लोग इसके बारे में वो जानना है तो आपको मेरे चैनल में जुड़े रहना पड़ेगा, और मैं अपने ऐसी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो मेरे को वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो। तो बाकी अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, और अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो की सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छी लगी मेटी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।